हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई तीन बाइक लेके आ गए हैं, होंडा SP 125, हीरो एक्सट्रीम 125 और बजाज पल्सर NS 125। तीनों 125 सीसी की बाइक है। तीनों ही बाइक की जो रेस है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। भाई पावर वगैरह की अगर बात करें तो भाई इसके अंदर 10.8 PS की पावर, 10.7 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन पावर कम है उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बाइक पीछे रह जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 118 kg वेट है। भाई इस बाइक की बात करें तो इसके अंदर अपने को 11.4 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है, लेकिन इसका जो वेट है वो है 136 kg, मतलब इस वाली बाइक से 18 kg ज़्यादा वेट है इसके अंदर। वहीं पल्सर NS 125 की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है, 11.8 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ भाई 144 kg इस बाइक के अंदर वेट है, इससे 8 kg ज़्यादा और उस वाली से तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 24 kg ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं भाई कौन सी बाइक इस रेस को विन कर पाती है। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो भाई अपनी तीनों बाइक लेके आ गए हैं, तीनों बाइक पे अभी अलग अलग राइडर हैं, वो अटेम्प्ट के साथ साथ राइडर भी स्विच कर लेंगे और देखेंगे भाई कौन सी बाइक रेस को विन कर पाती है। SP कैसे आगे जा रही है भाई, SP का जो टॉर्क है ना भाई वो सच में खतरनाक है, उठ के भागती भाई शुरू शुरू में। तो वो NS बगल में आ गई है भाई मेरे, अरे भाई इतना पास क्यों चल रहा है मेरे, SP भी निकल गई भाई, क्या हो रहा है ये, तीनों की खतरनाक टक्कर है भाई। भाई काफी ज्यादा जंप हो गई है भाई, SP थोड़ा सा आगे निकल गई है, NS मेरे बगल में है। ये SP कैसे आगे चली गई यार, NS का तो फिर भी सोच सकते थे, NS आगे चली जाएगी, वो मेरे बगल में है वो रही। SP को तो कैच कर लिया है, लेकिन NS भाई टॉप पे जा रही है अब, ये SP रही वो NS रही, टक्कर बहुत खतरनाक है भाई तीनों बाइक्स की, बहुत कड़ी टक्कर है भाई तीनों ही बाइक्स की, बहुत कड़ी टक्कर है। क्लियर विनर किसी को नहीं कह पाएंगे इसमें भाई, बिल्कुल नहीं कह पाएंगे क्लियर विनर, बहुत कड़ी टक्कर है तीनों बाइक्स की। अभी भाई राइडर स्विच करेंगे, मैं SP को चलाऊंगा। मैं SP को चलाने वाला हूं अब, और NS वाला जो था वो अभी एक्सट्रीम को चलाएगा, और जो SP वाला था वो अभी NS को चलाएगा, फिर मैं नेक्स्ट में भाई NS पे चला जाऊंगा और वो भी ऐसे स्विच हो जाएंगे। लेकिन यार ये जो रेस थी भाई खतरनाक,
खतरनाक कड़ी टक्कर भाई साहब, खतरनाक, वास्तव में खतरनाक। एसपी को लॉन्च करने में यार थोड़ा सा डर लगता है, ये उठ के भागती है। भाई एक्सट्रीम मेरे जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में है भाई। मैं एसपी को लेके सबसे आगे आ गया हूँ, लेकिन अभी एक्सट्रीम आ रही है, जस्ट मेरे को क्रॉस करने वाली है भाई वो। मेरे जस्ट पास में चल रही है भाई, ऐसे टच करके क्यों चल रहा है ये मेरे पता नहीं। ओहो एनएस तो दिखाई नहीं दे रही थी मुझे, और वो बगल से निकल भी गई है, एनएस आगे निकल गई है भाई। ये भाई देख मेरे सामने घुस गया, मुझे इसके सामने घुसने के कारण मुझे रेस डाउन मारनी पड़ी है भाई बिल्कुल। ये एक्सट्रीम वाला मेरे सामने आ गया था, इसलिए मुझे रेस डाउन करनी पड़ गई भाई। फिर से पकड़ दूंगा इसको मैं, वही भाई लास्ट अटेम्प्ट जैसा ही हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा गैप है तीनों बाइक्स में, अभी एसपी कैच तो नहीं कर पाएगी उसको, क्योंकि उसने भाई थोड़ी डाउन करवा दी थी मेरी, जस्ट आगे आ गया था वो मेरे। भाई उनके बीच में बिल्कुल गैप ना के बराबर है, और मेरा थोड़ा सा गैप बन गया है। बिकॉज अभी भाई एसपी अपने मैक्स पे चल रही है, और उन दोनों से काफी कम पावर है भाई इसमें। भाई अपन डाउन कर लेते हैं, अपने हाथ में नहीं आएंगे वो, लेकिन टक्कर बहुत खतरनाक है भाई वास्तव में। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, सीसी सेगमेंट के हिसाब से भाई वास्तव में बहुत खतरनाक टक्कर है तीनों बाइक्स की। ये सबसे सस्ती आती है, लेकिन भाई जो टक्कर दे रही है ये बाइक, गजब।